गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में हमने पढ़ा था, आज के लाइव क्लास जिसमें हम लोग रिवीजन पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, उसमें हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज होता है और मोल कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ मास क्या होगा, ये सब चीजें हमने आज पढ़ा। उसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो उन्हीं सब चीजों के बेस पे जो आज ट्यूटोरियल हमें बनाना है वो आज हम देखते हैं। चलिए, फॉर्मूला जो है दैट इज द की फॉर्मूला विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द एंटायर मोल कॉन्सेप्ट इज बिफोर यू ऑन द बोर्ड। द नंबर ऑफ मोल, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, इट इज डिफाइंड एज गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। If you are expressing the number of mole in terms of volume, it is given volume by molar volume. In terms of mass, it is given mass by molar mass. We all of us know Avogadro number is a fixed number and that value is 6.023 to 10 to the power 23. So, n is equal to the given number divided by this Avogadro number value. In terms of volume, the number of mole will be V, means given volume by molar volume at STP, point to be noted, at standard temperature and pressure, 22.4 liters, ठीक है? And the third is your given mass by molar mass. बात समझ गए आप लोग? So given mass is W and molar mass of the compound, let us take it is what? Capital M. अब हम क्या करेंगे, इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। तो आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स हु आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। याद रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर सेम एंड दैट वैल्यू इज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो भाई सिर्फ जानकारी के लिए है कि सारा एक्सपेरिमेंट एनटीपी पे या एसटीपी पे हो रहा है और हमारा O2 इतना वॉल्यूम एक्वायर किए हुए है। फ्रेंड्स, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? 22.4 लीटर्स। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम कितना है? 11.2 लीटर्स है ना, तो 11.2 लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स मींस 11 ones are 11, 11 twos are 22, it will come 0.5 mole. How much? It will come 0.5 mole. This means that 11.2 liters of O2 at NTP means it is 0.5 moles of O2. ठीक है, ऑक्सीजन कितना है हमारा? 0.5 moles है। अब मुझे ये बताइए कि हमें पता हो गया नंबर ऑफ मोल, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 पता करते हैं और उसके बाद एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पता करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल मेरा ये है, गिवन नंबर हमारा ये है और एवोगाड्रो नंबर हमारा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये होता ही है, करेक्ट। अब मुझे पता कर रहा है कि इस क्वेश्चन में n कितना होगा, प्लीज डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n इंटू 1 मींस n एंड n विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय दिस एवोगाड्रो नंबर। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल इन दिस केस? इट इज योर 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। माय डियर फ्रेंड्स, डिड यू ऑल गॉट इट दैट the number of oxygen molecules in this case will be this. If you multiply this and this number, precisely it will come out to be 3.011
into 10 to the power 23 O2 molecules. Please remember, this is O2 molecules. बात समझ गए? और याद रखिएगा भैया कि हम नेक्स्ट पार्ट करने पता करने जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था. तो पहले आपको हम डिफरेंस बता दें कि दोनों में फर्क क्या है. ये है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि दो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है. तो अगर हम इंडिविजुअल ऑक्सीजन को कहते एक ऑक्सीजन का एटम हुआ, ये ऑक्सीजन का एटम हुआ, लेकिन जब दोनों को मिला दिए तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हुआ. यानी एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं और इस क्वेश्चन में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, दिस मच. सो हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स विल बी देयर, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल number of oxygen molecule is equal to 3.011 into 10 to the power 23. Correct. But number of oxygen atoms will be double of this value. ठीक है? आइए. तो यहाँ पे number of oxygen molecule हो गया 3.011 into 10 to the power 23. एक oxygen के molecule में दो oxygen का atom होता है. Oxygen molecule total हमारा यहाँ पे इतना है. तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन दिस केस इज दिस मच. प्लीज पुट हियर. सो आंसर विल बी कमिंग 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द 7.85 ग्राम्स ऑफ आयरन. आयरन का मास मुझे दिया हुआ है. सो गिवन मास इज 7.85 ग्राम्स ऑफ आयरन हियर. सो पहला काम क्या होना चाहिए, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. एंड द नंबर ऑफ मोल इज कैलकुलेटेड बाय गिवन मास बाय मोलर मास. And for your kind information, in this case, the given mass is provided 55.8. Iron ka yahan pe mass likha hai, 55.8. To ye value jo hai utha ke yahan denominator mein hum rakh denge, 55.8. And what is the given mass here? 7.85. And after solving, after dividing this, the answer, that is the number of mole, will be 0.141 moles. ठीक है friends, इसका मतलब ये हुआ कि अगर iron 7.85 grams है तो कितना mole आया, इतना mole आया. तो ये सब easy questions हैं. ऐसे ढेर सारे question हम लोग live class में किए थे आज. और कुछ और क्वेश्चन आइए करते हैं. एक और प्यारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द 1.46 टन ऑफ एल्यूमिनियम. एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. उनमें से एक ये है, 1.46 टन ऑफ एल्यूमिनियम को हमें कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ एटम्स में, कि इतना टन अगर एल्यूमिनियम का है तो उसके अंदर कितने एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे. एक टन, वन टन इज इक्वल टू 10^3 केजी. 1000 केजी का एक टन होता है, हम सब जानते हैं. और एक केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं. तो पहला काम कि एक टन को आप ग्राम में चेंज करिए. सो वन टन विल बी इक्वल टू 10^6 ग्राम. एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मोल इज calculated by given mass by molar mass. Given mass is 1.46 ton or 1.46 into 10^6 grams. और हमारा molar mass कितना है बच्चों, 27. ये 27 value यहाँ रख दीजिए. और जब इसको आप solve करेंगे तो it will come out to be roughly the value will be 5.41 into
10 टू द पावर 4 मोल्स, 5.41 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल्स। बात समझ में आ गई? तो हमको इस 1.46 टन में कितने मोल्स एल्युमिनियम के होंगे ये पता चल गया। हमें ये पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर हमारे पास इतना मोल है, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स विल बी देयर, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस मोल विथ एवोगैड्रो नंबर। कम ऑन, लेट्स डू। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स कितने हुए बच्चों? बस इस 5.41 इंटू 10 टू पावर 4 मोल, जहां मोल है वहां पे आप एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू विद एवोगैड्रो नंबर यू गॉट 3.26 इंटू 10 टू पावर 28 एल्युमिनियम एटम्स। सो दिस इज आवर आंसर। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अ वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज द कंबस्शन ऑफ मीथेन। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है द कंबस्शन ऑफ मीथेन। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाई कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन आपके पास है, तो पहले तो यह समझना चाहिए कि 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन का मतलब क्या हुआ। नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल मीन्स गिवन मास बाई मोलर मास, और कार्बन का होता है 12, 12 प्लस 4 16। द मोलर मास ऑफ मीथेन इज योर 16। द अमाउंट ऑफ मीथेन इन दिस क्वेश्चन इज 16 ग्राम, सो 16 बाई 16 मीन्स 1 मोल। इस क्वेश्चन में आपके पास 1 मोल मीथेन है, और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाई कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम्स मीथेन। 16 ग्राम्स का मतलब हमने अभी कन्वर्ट किया 1 मोल। अच्छा, अब इसके बाद इस बैलेंस्ड रिएक्शन पे आते हैं। द बैलेंस्ड रिएक्शन इज गिविंग इंफॉर्मेशन 1 मोल ऑफ मीथेन आफ्टर कंबस्टन इट गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। यानी 1 मोल ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ H2O। क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, हमें आंसर मिल गया 2 मोल्स ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड। अब इसी को अगर हम ग्राम्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें समझना होगा 2 मोल्स ऑफ H2O तो प्रोड्यूस हो गया, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O? 18 ग्राम्स हम जानते हैं। तो देखिए n इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड? सो द वेट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू n इंटू 18, मींस नंबर ऑफ मोल इंटू 18, और इस क्वेश्चन में कितना मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है? 2, सो 2 इंटू 18 मींस w विल बी इक्वल टू 36 ग्राम्स। बात समझ आएगी बच्चों? तो इस तरह के जो है बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन जो है आप लोगों के सिलेबस में है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोगों के आते हैं। ठीक है, कल 2-3 क्वेश्चन और भी किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग और भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आएंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। Have a nice day.